हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वॉम वेलकम टू शिक्षा सो गाइस एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स का पार्ट ट्वेंटी वन है ओके इसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं और हर वीडियो के अंदर ये बात रिपीट करता हूं करंट अफेयर्स वाले कि स्टैटिक क्वेश्चंस भी हमारे करंट से ही डिराइव होकर हम यहाँ पर उसको डाल देते हैं ठीक है जैसे कोई न्यूज थी पी के अंदर एक कोई भी एरिया ऑफ कंसर्न है तो उसको हम कवर अप यहाँ पर कर लेते हैं ओके सो पार्ट ट्वेंटी होगा ये एंड टू थाउजेंड प्लस नॉन विडियो एमसीक्यू कोर्स है एग्रीकल्चर का उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसका एक फ्री टेस्ट भी डला हुआ है वो भी आप देख सकते हो फिफ्टी परसेंट ऑफ चल रहा है अभी आपको सिर्फ एक डिस्काउंट कोड यूज करना है discount, तो एक अच्छा ऑफर है तीन सौ रुपए में आपको अराउंड uh, जिन कोर्सेज के लिए आप तीन तीन चार चार हजार खर्च करते हो ना उससे ज्यादा वर्थ आपको मिलेगी ये गारंटी है पहले क्वेश्चन के ऊपर आ जाए थोड़ा सा जुलाई का पीआईबी करंट अफेयर मेटीरियल पिकअप किया है एग्रीकल्चर के करंट अफेयर के लिए हमेशा ध्यान में रखना कि एग्रीकल्चर की जब हम स्पेसिफिकली बात करते हैं सो इट इज नॉट ओनली अबाउट थ्री मंथ्स और फोर मंथ्स जब मैं आईबीपीएससीएफओ या, या नबार्ड की बात करूं इस बार का तो हो गया अब अगली बार का जब पेपर होगा तो अभी से अगर आप ये करंट अफेयर्स के लेक्चर्स को रेगुलरली देखोगे ना आपका एक बहुत स्ट्रांग होल्ड बन जाएगा एग्रीकल्चर स्पेसिफिक स्कीम्स और करंट अफेयर्स के ऊपर ठीक है तो जुलाई के महीने में खबर आई थी दो ऑर्गेनाइजेशन एक हमने बोला है एक्स और दूसरा है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इन्होंने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था जिसका नाम था मैपिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड प्रैक्टिस इनिशिएटिव और इसका काम क्या था बेसिकली मिलेट्स से रिलेटेड ये एक प्रोग्राम था एशिया और अफ्रीका के अंदर ओके सो एक्स में यहां पर आपको ऑर्गेनाइजेशन बतानी है कौन सी है जिसने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ ये एग्रीमेंट जो है साइन किया था या ये इनिशिएटिव जो है लॉन्च किया था ओके सिंपल क्वेश्चन है लेकिन अगर पढ़ा हुआ है तभी इसको आंसर कर सकते हैं और इस तरह के क्वेश्चन के अंदर आते हैं ना बच्चे सोचते हैं यार ये पता नहीं कहां से आ गया क्योंकि तो अपने को सिर्फ वही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना ये सब स्कीम्स पढ़ करके अपन लोग चले जाते हैं और फिर सोचते हैं कि यार पेपर में तो आया नहीं जैसे इस बार भी बच्चे कह रहे थे कि यार ये कहां से स्कीम आ गई ठीक है तो वो ऐसा दिमाग मत चला करके चले जो भी स्कीम्स एक्टिव हैं एग्रीकल्चर एरिया में वो आपके लिए सारी की सारी इंपॉर्टेंट है यहां पर आपका जो आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन सी नीति आयोग ठीक है नीति आयोग तो नीति आयोग और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने यूनाइटेड नेशंस का जो बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है इन्होंने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है मैपिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड प्रैक्टिस इनिशिएटिव इसका काम क्या है मेन स्ट्रीम करेगा मेलेट्स को एशिया एंड अफ्रीका के अंदर इसका अल्टीमेटली एम क्या है कि जो बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो किए जा रहे हैं एशियन कंट्रीज के अंदर या अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर उन बेस्ट प्रैक्टिस को मैप करेगा और उन बेस्ट प्रैक्टिस को अक्रॉस द नेशन शेयर करेगा एक डॉक्यूमेंट टाइप क्रिएट कर लेगा और जो भी लेसन लर्न होंगे वो शेयरिंग होगी ताकि बेटर प्रोडक्शन जो है वो मिलेट्स की हो सके सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर आ जाए अभी रिसेंटली एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड अवार्ड्स ये बैंक नहीं है बेटा फंड है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड आप जानते हो स्कीम है इसके ऊपर पूरी की पूरी स्कीम भी हमने कवर कर चुके हैं जो स्कीम्स वाली आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो यहाँ पर आपको लिंक ऊपर दिख जाएगा ओके सो विच बैंक वाज अवारेड एज द बेस्ट बैंक अंडर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड अवार्ड तो ये अभी अवार्ड रिसेंटली इस साल अनाउंस हुए थे दो में तो बेस्ट बैंक की कैटेगरी में बेटा कौन सा बैंक था फैक्चुअल क्वेश्चन है तुक्केबाजी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता द राइट आंसर ओवर हेयर गाइज विल बी ऑप्शन ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक अवार्ड के अंदर बेस्ट बैंक का अवार्ड मिला था थर्ड क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कौन सी स्टेट को बेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला है अगेन अंडर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड अवार्ड्स राजस्थान एमपी महाराष्ट्र कर्नाटका नन ऑफ दी अब अगेन सिंपल सा क्वेश्चन है फैक्चुअल क्वेश्चन है इधर यू नो इट और यू डोंट नो इट अच्छा मैं जब क्वेश्चंस करा रहा हूं ना तुम लोगों को तो तुम्हारा काम ये है अगर करंट अफेयर्स पढ़ रखे हैं अगर नहीं पढ़ रखे फिर तो एक ही गो में देखते रहो अगर करंट अफेयर्स पढ़ रखे हैं क्वेश्चन को देख रखा है तो उस क्वेश्चन को पहले खुद से करने की कोशिश करो ठीक है उसके बाद सोल्यूशन देखो वीडियो को पॉज कर लो पढ़ लो एक बार दोबारा क्वेश्चन अपना आंसर देखो और उसके बाद फिर सोल्यूशन देखो और फिर लास्ट के अंदर ये भी देखा करो कि फॉर एग्जाम्पल इस वीडियो के अंदर दस क्वेश्चन है तो दस में से आपके कितने सही हुए कितने गलत हुए कितने आपने छोड़े तभी आपको अपनी परफॉर्मेंस का एक आइडिया लगेगा तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड अवार्ड ये बेटा कौन सी स्टेट को बेस्ट स्टेट कैटेगरी मिली है मध्य प्रदेश ठीक है जी तो मध्य प्रदेश को बेस्ट स्टेट कैटेगरी मिला बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट मिला उसके बाद आंध्र प्रदेश को मिला है एज बेस्ट परफॉर्मर इन सैंक्शंस ऑफ पैक्स एप्लीकेशन ठीक है जो आपकी प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज एप्लीकेशन होती हैं तो आंध्र प्रदेश को उसके अंडर मिला जैसे ये एमपी वाला क्वेश्चन है उसी तरीके से वो ये भी पूछ सकता था कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड अवार्ड में बेस्ट परफॉर्मर इन सेंशन ऑफ पैक्स एप्लीकेशन किसको मिला आंध्र प्रदेश को मिला ठीक है एंड टैक्स एप्लीकेशन का फास्टर डिस्पोजल यानी कि जो एप्लीकेशन रिसीव किया उसको कितनी जल्दी आपने डिस्पोज ऑफ किया उसके लिए जो अवार्ड मिला है वो कर्नाटका को मिला है एंड राजस्थान को मिला है राइजिंग स्टेट अंडर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड तो ये दो तीन स्टेट चार स्टेट हैं आप याद रख लेना ओके okay, पहली हो गई आपकी बेस्ट स्टेट अवार्ड वो आ गया आपका मध्य प्रदेश उसके बाद आंध्र प्रदेश आ गया बेस्ट परफॉर्मर इन सेंशन ऑफ टैक्स एप्लीकेशन फास्टर डिस्पोजल ऑफ पैक्स एप्लीकेशन में कर्नाटका आ गया एंड अल्टीमेटली राजस्थान आ गया आपका राइजिंग स्टेट के अंदर तो ये चार पांच आप याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जी एग्रीकल्चर सेंसस अभी न्यूज के अंदर था तो एग्रीकल्चर सेंसस में कौन से एग्रीकल्चर सेंसस में अभी तक बहुत सारे एग्रीकल्चर सेंसेस इंडिया के अंदर कंडक्ट हो चुके हैं तो कौन से एग्रीकल्चर सेंसस में पहली बार जो डाटा कलेक्ट हुआ था वो स्मार्टफोन्स या टेबलेट्स के थ्रू होगा या हुआ था डेटा कलेक्ट एग्रीकल्चर सेंसस में सेवेंथ अब जो आपका 2015-16 वाला सेंसस है वो मैं आपको बता दूं कि वो टेंथ सेंसस था ठीक है जी तो यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो है ऑप्शन ई इलेवेंथ इलेवेंथ सेंसस जो है वो आपका 2021 के अंदर होना था लेकिन कोविड की वजह से डिले हो गया क्योंकि एग्रीकल्चर सेंसस हर पांच साल बाद होता है ठीक है अब सरकार कह रही है कि हम एग्रीकल्चर सेंसस का काम शुरू कर रहे हैं इलेवंथ एग्रीकल्चर सेंसस का अगस्त 2022 में काम शुरू हो जाएगा और पहली बार ग्यारहवें अंदर जो डाटा है वो स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स के थ्रू कलेक्ट किया जाएगा ताकि डाटा टाइमली अवेलेबल हो पाए ठीक है तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने ध्यान में रखना फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ अब आप सब जानते हो कि 2023 को यूनाइटेड नेशंस ने इंटरनेशनल ईयर ऑन मिलेट्स डिक्लेयर कर दिया है ठीक है तो देश जो है हमारा इंडिया इंडिया ने काफी ज्यादा पेशकश भी इंडिया नहीं रखी थी जनरल असेंबली में यूएन की कि इंटरनेशनल ईयर ऑन करो तो इंडिया बड़ी ज्यादा तैयारी के अंदर है इसमें तो इंडिया ने बोला है कि हम ना एक सेवन यानी कि सेवन थीम्स के ऊपर काम करेंगे इंटरनेशनल ईयर ऑन माइलेट्स 2023 के अंदर तो आपको बताना है इनमें से कौन से जो ऑप्शंस हैं वन ऑफ द सेवन के अंदर वो आता है एनहेंसमेंट एंड ऑफ प्रोडक्शन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ बेनिफिट इंटरनेशनल आउटरीच ऑल ऑफ नन ऑफ दी अब सेवन सूत्र पर आपका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑल ऑफ दी अब ठीक है जी तो सरकार ने बोला है कि सेवन सूत्रास बनाएंगे इंटरनेशनल ईयर ऑन माइलेज में और ये अलग अलग डिपार्टमेंट को हर थीम की जिम्मेदारी दी जाएगी उसको डेवलप करने की तो एनहेंसमेंट ऑफ प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के पास होगा न्यूट्रिशन एंड हेल्थ बेनिफिट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और एफ एस एस ए आई इसके ऊपर काम करेंगे वैल्यू एडिशन प्रोसेसिंग एंड रेसिपी डेवलपमेंट इसके ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड टूरिज्म काम करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप कलेक्टिव डेवलपमेंट कॉमर्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर काम करेंगे अवेयरनेस क्रिएशन इंक्लूडिंग ब्रांड लेबलिंग एंड प्रमोशन सारी मिनिस्ट्रीज मिलकर के इस पर काम करेंगी इंटरनेशनल आउटरीच के लिए कॉमर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स काम करेगी एंड पॉलिसी इंटरवेंशन फॉर मेन स्ट्रीमिंग के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर काम करेंगे तो ये सात थीम्स मेनली आप याद रखिएगा ये अगले एक साल इंपॉर्टेंट रहेंगी और ये बार बार न्यूज के अंदर देखने को मिलेंगी आपको पीआईबी के अंदर बार बार इन सेवन सूत्रास का जिक्र मिलेगा तो इसको अच्छे से अपने नोट बना करके डाल लो सिक्स क्वेश्चन के ऊपर आ जाऊं सिक्स क्वेश्चन था कि कौन सी स्टेट है इंडिया में जिसके पास हाईएस्ट एरिया है एरिया अंडर कल्टीवेशन अंडर मेजर एक्सॉटिक फॉरन या फॉरेन फ्रूट्स बेसिकली जो हमने बाहर से इंट्रोड्यूस किए हैं इंडिया के अंदर जिनकी कल्टिवेशन तो सबसे ज्यादा एरिया कौन सी स्टेट के पास है ऑप्शन ए महाराष्ट्र बी मध्य प्रदेश सी तेलंगाना डी सिक्किम या ई नन ऑफ दी अब सो द राइट आंसर गाइज ओवर हेयर विल बी ऑप्शन बी मध्य प्रदेश के पास सबसे ज्यादा एरिया है और प्रोडक्शन भी सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश की ही है अगर हम एक्सॉटिक या फॉरेन फ्रूट्स कल्टीवेशन की बात करते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस टाइप के क्वेश्चन आप अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से कवर अप कर लिए हैं तो ये तो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं पेपर के अंदर सेवेंथ क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ वट इज इंडियाज रैंक इन टर्म ऑफ सर्टिफाइड एरिया ऑर्गेनिक फार्मिंग ग्लोबली एज पर द रिपोर्ट पब्लिश बाय एग्रीकल्चर एंड इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट स्टैटिस्टिक्स Movement Statistics 2022. तो सीधी सी भाषा में अगर आपको क्वेश्चन समझाऊं तो ये पूछ रहा है कि इंडिया का रैंक क्या है अगर हम सर्टिफाइड एरिया यानी कि जिसको प्रॉपर सर्टिफिकेशन मिला हुआ है कि जी ये एरिया अंडर ऑर्गेनिक कल्टीवेशन है या ये एरिया अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग है तो एरिया वाइज इंडिया का क्या रैंक है एज पर द डाटा गिवन बाय दीज टू ऑर्गेनाइजेशंस पहला दूसरा तीसरा चौथा या पांचवा तो दोस्तों इंडिया का जो रैंक है दैट इज फोर्थ हम चौथे नंबर पर आते हैं अगर हम एरिया अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें एर्थ क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ एर्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि इंडिया ने अपने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सबसे ज्यादा किस देश में एक्सपोर्ट किए हैं 2021-22 में किस देश में सबसे ज्यादा हमने अपने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया है यूएस यूरोपियन यूनियन कैनेडा रशिया या नन ऑफ दब अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन है ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है पी के अंदर जो न्यूज में जो डाटा आता है जो स्टैट्स आते हैं जनरली जो बच्चे पी पढ़ते भी हैं वो इन स्टैट्स को छोड़ देते हैं अल्टीमेटली क्वेश्चन बनते हैं वहां से ओके सो यहां पर जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए यूएसए क्वेश्चन नंबर नाइन दैट इज सेकंड लास्ट क्वेश्चन अब देखो आपकी एक स्कीम चल रही है परंपरागत कृषि विकास योजना जो ऑर्गेनिक फार्मिंग को एनकरेज करती है अब इस स्कीम के अंदर ना सरकार कहती है कि हमें ना इंडिया का ब्रांड प्रमोट करना है ठीक है हमें ब्रांड नेम्स प्रमोट करने हैं तो उसमें सरकार ने क्या बोला सरकार ने बोला कि अलग अलग स्टेट्स के अंदर जो अलग अलग ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है एमपी में हो रही है सिक्किम में हो रही है आसाम में हो रही है पंजाब में हो रही है तो हर स्टेट में से जो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस निकल रहा है ना उसको हम एक इंडिविजुअल ब्रांड देंगे हर स्टेट का एक अलग ब्रांड स्टेब्लिश कर देंगे उससे क्या होता है ना मार्केटिंग करनी इंटरनेशनली या डोमेस्टिकली इजी हो जाती है तो एक ब्रांड है दैट इज मेड इन मंडला ये कौन सी स्टेट का ब्रांड है ऑर्गेनिक पंजाब मध्य प्रदेश उत्तराखंड तमिलनाडु नन ऑफ ननवदेव ये सारा इस स्कीम के अंडर सरकार ने किया तो मेड इन मंडला जो है ये आपका ब्रांड है फ्रॉम द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश ठीक है तो इस तरीके से बाकी स्टेट्स के भी नाम जो है सेट किए गए हैं प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना के अंदर परंपरागत कृषि खुणण विकास योजना के अंदर सॉरी मध्य प्रदेश में मेड इन मंडला आ गया उत्तराखंड में ऑर्गेनिक उत्तराखंड तमिलनाडु में तमिलनाडु ऑर्गेनिक प्रोडक्ट महाराष्ट्र में सही ऑर्गेनिक नासिक ऑर्गेनिक एंड गढ़ चिरोलिया ऑर्गेनिक फार्मिंग झारखंड में जैविक झारखंड फ्रॉम द लैंड ऑफ झारखंड छत्तीसगढ़ में आदिम ब्रांड ऑफ भूमि गद्दी एफपीओ एंड बस्तर नेचुरल्स पंजाब में फाइव रिवर्स त्रिपुरा में त्रिपुरेश्वरी फ्रेश सिमिलरली एक और स्कीम चलती है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जिसको हम बोलते हैं मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन इसके अंदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर भी ब्रांड स्टेब्लिश किए गए हैं जैसे अरुणाचल का जो ब्रांड नेम है दैट इज ऑर्गेनिक अरुणाचल मणिपुर का ऑर्गेनिक मणिपुर मिजोरम का मिश, मिशन ऑर्गेनिक मिजोरम नागालैंड का नागा ऑर्गेनिक सिक्किम का सिक्किम ऑर्गेनिक मेघालय का ओ मेघा त्रिपुरा का त्रिपुरा ऑर्गेनिक एंड असम का असम स्टेट ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी तो याद करने बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है इजीली आप इनको एक दो बार पढ़ोगे तो आपके दिमाग में चिपक जाएंगे एंड हियर वी कम टू द लास्ट क्वेश्चन गाइस ये हमारा फाइनल क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है इसको स्टार मार्क कर लेना अभी रिसेंटली जुलाई महीने के अंदर एग्रीमेंट ऑन फिशरीज सब्सिडीज वॉज इन न्यूज तो ये एग्रीमेंट ऑन फिशरी सब्सिडीज से रिलेटेड आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा ये बताना है स्टेटमेंट वन कहता है ऑप्शन ए कहता है कि ये जो एग्रीमेंट है ये प्रोहिबिट करता है सब्सिडीज फ्रॉम बीइंग प्रोवाइडेड फॉर इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग कि अगर इलीगली या अनरिपोर्टेड वे में या अनरेगुलेटेड वे में फिशिंग होती है तो उसके ऊपर प्रोहिबिशन लगाता है ऑप्शन बी कहता है कि कोटा सेट करता है फिशिंग का हर देश के लिए कि इतनी फिशिंग आप कर सकते हो साल में ऑप्शन सी कहता है कि डेवलपिंग कंट्रीज और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को इस एग्रीमेंट ने दो साल का ट्रांजिशन पीरियड का टाइम दिया है यानी कि जो भी एग्रीमेंट की टर्म्स वगैरह हैं वो डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर दो साल तक नहीं लागू होंगे ऑप्शन डी कहता है कि सारे इनकरेक्ट हैं ऑप्शन ई कहता है कि कोई भी इनकरेक्ट नहीं है हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है तो आंसर पहले आपको बता देता हूं फिर हम स्कीम को डिटेल uh, में इस एग्रीमेंट को भी डिस्कस कर लेंगे आंसर है यहां पर ऑप्शन बी सेट कोटा फॉर फिशिंग ऑफ फिशिंग फॉर एवरी कंट्री ये गलत स्टेटमेंट है ऐसा कोई कोटा सिस्टम ये एग्रीमेंट नहीं लेकर के आया तो बात कर लेते हैं अब एग्रीमेंट ऑन फिशरी सब्सिडीज की ठीक है जी अब ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मिनिस्टोरियल मीटिंग हुई थी इस साल जुलाई के महीने में वहां पर ये एग्रीमेंट को डिस्कस किया गया था ये एग्रीमेंट क्या कहता है कि देखो हर देश काफी सारे देश इंक्लूडिंग इंडिया सब्सिडी देते हैं फिशिंग सेक्टर को फिशरीज को फार्मर्स को सब्सिडी देते हैं तो ये एग्रीमेंट क्या कहता है कि आप सब्सिडी तो दो लेकिन अगर कोई इलीगल फिशिंग हो रही है कोई अनरिपोर्टेड या अनरेगुलेटेड फिशिंग हो रही है तो उस केस में आप सब्सिडी मत दो अगर कोई इलीगल फिशिंग कर रहा है ना तो उसको आप सब्सिडी मत दो ठीक है और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं और लीस डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको डब्ल्यूटीओ कहता है कि हम दो साल का ट्रांजिशन पीरियड देते हैं ताकि जब वो एग्रीमेंट में एंटर कर जाए उसके बाद दो साल का ट्रांजिशन पीरियड देंगे ताकि वो एग्रीमेंट की टर्म्स के साथ एडजस्ट कर सके ठीक है उसके बाद एग्रीमेंट और क्या कहता है एग्रीमेंट कहता है कि अगर कोई हाई सीज में जाकर के फिशिंग कर रहा है जो बेसिकली एक कंट्री की कोस्टल जूरिस्डिक्शन से बाहर आ जाता है ठीक है जो एक कंट्री की ज्यूरिस्डिक्शन से बाहर एरिया आ जाता है जिसको आप हाई सीज बोलते हो अगर वहां जाकर के कोई फिशिंग कर रहा है तो उस हाई सीज की फिशिंग को भी आप सब्सिडी ना दें ओके okay. उसके अलावा किसी भी तरह की सब्सिडी के ऊपर रोक नहीं है ठीक है ऐसा नहीं है कि आप ये एग्रीमेंट कह रहा हो कि सब्सिडी देनी ही नहीं सब्सिडी सिर्फ और सिर्फ आई यू यू यानी कि इलीगल अनरेगुलेटेड फिशरीज को ही यहां पर प्रोहिबिशन लगाई गई है ठीक है जी एंड यहां पर दूसरी चीज ये भी बोली गई कि ओवर फिशिंग अगर आप कर रहे हो तब भी आप सब्सिडी प्रोवाइड करो तब भी हम ये नहीं कह रहे कि आप ओवर फिशिंग कर रहे हो तो सब्सिडी मत दो लेकिन जो सब्सिडी है ये पॉइंट तब तक वैलिड रहेगा जब तक वो सब्सिडी उस पर्टिकुलर ओवर फिशिंग जो आप कर रहे हो उसको रीबिल्ड करने में यूटिलाइज की जाए इस सब्सिडी को आप रीबिल्ड करने में यूटिलाइज करो जो बेसिकली बायोलॉजिकल सस्टेनेबल लेवल है उसके ऊपर आप इसको ले आए ओके जी एंड अब इसमें इंडिया का भी स्टैंड आया इंडिया कहता है कि देखो यार अपनी अगर मैं बात करूं हिंदुस्तान की अगर मैं बात करूं तो हम तो बहुत कम फिश सब्सिडी देते हैं ठीक है हमारे यहाँ पर इतनी बड़ी पॉपुलेशन है लेकिन फिर भी हम बहुत कम सब्सिडी देते हैं हम तो एक डिसिप्लिन नेशन है और हम फिशरीज रिसोर्सेज को भी बड़े सस्टेनेबल वे में जो है यूज करते हैं हम अपने रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करते जैसे बाकी के कुछ बड़े देश या एडवांस्ड फिशिंग नेशन है वो करते हैं क्योंकि इंडिया का जो फिशरी सेक्टर है वो स्मॉल स्केल और ट्रेडिशनल फिशर्स के ऊपर डिपेंडेंट है तो हम यहाँ पर ओवर एक्सप्लॉइटेशन नहीं करते तो इंडिया ने डब्ल्यूटीओ को बोला कि यार आप कह रहे हो कि सब्सिडी दो ठीक है या आपने कुछ कंडीशन रख दी बट इंडिया इज सेइंग कि डब्ल्यूटीओ का काम यह है कि वो उन कंट्रीज के ऊपर रोक लगाए जो काफी लंबे समय से ओवर फिशिंग कर रहे हैं और विच आर मेजरली रिस्पॉन्सिबल जो फिश डिप्लीशन हो रहा है ठीक है तो डब्ल्यू इंडिया डब्ल्यूटीओ को क्या बोल रहा है कि आप इन देशों के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी डालें बिकॉज देर इज अंटरनेशनल प्रिंसिपल जिसका जिसको क्या बोलते हैं पल्यूटर पे प्रिंसिपल कि भैया जिसने इतने सालों से कोहराम मचा रखा है पॉल्यूशन मचा रखा है उसके ऊपर आप जिम्मेदारी डालो ना आप सबके ऊपर सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों डाल रहे हो ठीक है आप सबके ऊपर सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी मत डालो कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल आप यूज करो ओके एंड दैट इज वाई द डेवलप्ड कंट्रीज द एडवांस कंट्रीज शुड टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये इंडिया का इसके ऊपर एक स्टैंड है ठीक है जी सो दिस इज ऑल अबाउट एग्रीमेंट ऑन फिशरी सब्सिडीज एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ आर टेन क्वेश्चंस मुझे उम्मीद है कि आपको मजा आया होगा फिर भी कोई डाउट है इन पॉइंट्स को ना अच्छे से पढ़ लेना टेंथ वाले क्वेश्चन के पॉइंट्स को अगर कोई भी डाउट हो प्लीज फील फ्री टेलीग्राम पे पूछो ठीक है व्हाट्सएप करो येरा नंबर मेल करो यूट्यूब पे कमेंट करो जैसे भी हो आप अपने डाउट को क्लैरिफाई जरूर करें अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बट उससे पहले अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें चलिए टेक केयर एंड बाय